धार जिले के मनावर के ग्राम लुनेरा बुजुर्ग में आज 2908 किसानों का 20 करोड़ से भी अधिक का ऋण माफ किया गया। फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत आज जिले की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो मनावर पहुंची। स्थानीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक कुलदीप सिंह बुंदेला सहित बड़ी संख्या में किसानों ने समारोह में भाग लिया। प्रभारी मंत्री बैलगाड़ी से समारोह स्थल पहुंची। बैलगाड़ी डॉक्टर हीरालाल अलावा विधायक मनावर हाँक रहे थे। टीम भारती न्यूज। अब इन तो ये तो जिनने बयान दिया उनसे अगर आप पूछेंगे तो बेहतर होगा, और जिनमें खलबली मची हुई है, हम तो अपना घर देख रहे हैं, उनका घर देखें कि उनमें कितनी खलबली मची हुई है। दूसरों के घरों में वो जागते हैं, हम लोग को आदत नहीं है। जो रोड वाला जो बयान था सिंधिया जी का, उसको लेकर काफी हलचल है, आपका क्या व्यक्तिगत विचार है इस पर? देखो, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है हमारे इसमें, और हर व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अपनी बात कहने का उनको अधिकार है। और कहीं ना कहीं कोई नेता अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है कि प्रजातांत्रिक पार्टी एक। दीदी, एक प्रश्न ये, प्रियंका गांधी को राज्यसभा में जाने के लिए सारे कैबिनेट मंत्री उतर गए हैं, हाँ, के लिए आपकी क्या राय है? हमारे नेता हैं प्रियंका जी, और उनके परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक कि अपनी जानें भी दी हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर प्रियंका जी राज्यसभा के अंदर आती हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका विजन है, उनकी सोच है, और देश के प्रति उनके परिवार ने किया, उनके मन में भी जज्बा है कि यहाँ के गरीबों और जो SC ST के लोगों का और अन्य लोगों का, वो हमेशा विकास चाहती है। अपने भाषणों में भी आपने लोगों ने सुना होगा कि हमेशा उन्होंने इस देश के हित की बात सोची है, और उनके अगर आने से राज्यसभा में एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसमें मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी इसकी। ट्रेन में भगवान शिव के लिए रिजर्व सीट रखी गई थी, हरी झंडी दिखाई गई थी मोदी जी ने उसको लेकर ओवैसी ने हमला बोला है, संत समाज उसका विरोध कर रहा है, क्या लगता है जो व्यवस्था की गई आपकी नज़र में कहाँ तक कितनी सही थी, क्या ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सर्वधर्म समभाव का देश है, यहाँ हर धर्म हर जाति को यहाँ बराबर का अधिकार हमारे संविधानिक हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी थी उसमें चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अधिकार समान रूप से दिए हैं। सर्वधर्म समभाव वाला ये देश है, हर धर्म का यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकारें बनी हर धर्म का यहाँ पर बराबर सम्मान किया गया है। और मैं समझती हूँ कि जो आज की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था इस देश में उस आधार पे चल रही है, और जगह विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस तरह की गतिविधियाँ इस देश के अंदर करती रहती है।